ठाकुर जी बिना किसी प्रयोजन के नौका विहार कर रहे हैं। एक तो हो जाए कि संयोजित हो, एक तो होता है व्यवस्थित हो, पूर्व निश्चित हो कि कैसी नौका विहार होगी। तो वहां छत्र भी लगे हैं, वहां पर सजावट भी हुई है, वहां पर सब व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठवे की, उठवे की, सब करवे की। लेकिन आज ठाकुर जी बिना प्रयोजन के, बिना नियोजन के, बिना किसी व्यवस्था के नौका विहार कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की प्रथम नौका विहार है श्री किशोरी जी के साथ। यमुना जी के मध्य में छोटी सी नौका में, सहचरियों के मध्य में पूर्णिमा को चंद्रमा दोनों में प्रकाश डाल रहे है, ऐसा प्रकाश प्रकट है रहे है। वह प्रकाश से ही श्री यमुना जी को श्रृंगार है रहे है। और श्री किशोरी जी अपने हाथन से ठाकुर जी को माखन पवाए रही हैं, दही पवा रही हैं और युगल विहार कर रहे हैं दोनों। गोपी ठाकुर जी से कहने लगी, अरे भैया बड़ी धीरे धीरे नाव चलाए रहो है, लेकिन जल्दी कर ले, अब तेरो पेटो भर गो। अब तो इन्हें जैसे कई माखन खवाए दियो, दही खवा दी, सब सब प्रकार की तेरी सेवा कर दी, अब तो नहीं जल्दी जल्दी चला। ठाकुर जी दो बार चला में और चला के रुक जाए, बोले कहा भयो? बोले ऊर्जा खत्म है गई है मेरी। बोले कैसे मिलेगी तेरी ऊर्जा? बोले तुम सब मेरे सामने